Hi everyone, this is Professor Sujata Sharma and we are continuing with our video series on the World Obesity Week. And today we're going to be talking about a very interesting topic, that is, what are the various myths which surround the diets, the fad diets that we constantly keep hearing about nowadays. And we have an expert on this topic, Dr. Divya Tripathi. Hello, Dr. Divya. Welcome. Hello, Dr. Sujata. So, I'd like to introduce our speaker. Dr. Divya Tripathi has got her PhD in Food and Nutrition Sciences from Delhi University and postgraduate degree from Banaras Hindu University. Currently, she's working as a scientist in the Metabolic Research Group in the Department of Medicine at AIIMS, New Delhi. And her research is in the field of obesity, diabetes, and metabolic disorders. So, let's get started with our frequently asked questions. पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी डॉक्टर दिव्या कि आजकल बहुत सारी टाइप्स ऑफ डाइट्स हम सुनते रहते हैं और ये डाइट्स ये दावा करती हैं कि हम बहुत ही कम दिनों में आपका 10 से 12 किलो वेट घटा लेंगे और कितना अट्रैक्टिव लगता है ये प्रोस्पेक्ट, बट इसके पीछे रियलिटी क्या है वो आप हमें बताइए। ये क्वेश्चन डॉक्टर सुजाता अक्सर ही आता रहता है मेरे सामने कि आप तो हमें ये बता रहे हो लेकिन ये बहुत सारे डाइट्स है, ये तो दावा कर रहे हैं कि हमारा जो है एक महीने में 10 किलो का कम हो जाएगा। तो बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, कभी कोई रिप्लेसमेंट दे रहा है, कोई डिटॉक्स दे रहा है या कोई तरीके की डाइट दे रहा है जिसमें ये दावा कर रहा है कि हम कम कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई डाइट की बात करें तो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये डाइट्स आती हैं और एक क्रेज बन के सोसाइटी में जाती हैं। तो जब अभी भी आप कोई डाइट फॉलो आपके पास ऐसे कोई डाइट का ऑप्शन आता है तो हमेशा हमको 3 पैरामीटर्स पे आपको चेक करना चाहिए। पहला ये कि क्या है कि एक सस्टेनेबल वेट लॉस दे रहे हैं इन इन जनरल, जो हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस हमें पता है। तो हमें ये पता है कि अगर आप वीक में 0.5 किलो से 0.25 किलो कम कर रहे हैं वजन कोई डाइट या एक्सरसाइज फॉलो करके, तो एक सस्टेनेबल वे ऑफ वेट लॉस है। लेकिन अगर इसके अलावा आप बहुत ज्यादा वेट लॉस कर रहे हो तो ये आपको देखना पड़ेगा कि उससे और ज्यादा क्या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस साथ में क्रिएट हो रही है। दूसरा हमें ये जानना पड़ेगा कि इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की पूरी हो रही है या नहीं हो रही, तो इसको भी एक चेक करने की बात है। और तीसरा ये है कि जब आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उससे आप कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं अराइज हो रही है। तो ये सारे तीनों क्वेश्चन में जब आप चीजें जो है किसी भी डाइट को कसोगे इस पैरामीटर्स पे, तो आप इसके डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये फैट डाइट या क्रेज डाइट या मैजिक डाइट और एक बैलेंस डाइट में क्या डिफरेंस है, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन आपको लेना चाहिए। ओके, सो दैट मींस द व्यूअर्स हैव टू लुक एट दिस कि ये जो 3 पैरामीटर्स डॉक्टर दिव्या ने बताए हैं वो आप जरूर पहले पता कर लीजिए बिफोर फॉलोइंग एनी डाइट। तो डॉक्टर दिव्या, आपके हिसाब से क्या बॉटम लाइन है इन फैट डाइट्स के बारे में? इन फैट डाइट्स के बारे में बॉटम लाइन ये है कि देखिए बहुत सारी डाइट्स हैं मार्केट में, बहुत सारे अलग अलग चीजों के लिए वो डाइट्स हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई दवा है वो किसी और बीमारी के लिए बनी है और आप उसको किसी और बीमारी में इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको उसके साइंटिफिक एविडेंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंटिफिकली वो प्रूवन है या नहीं है। लेकिन ऐसा इन डाइट्स में नहीं होता, बहुत सारी चीजें हमें जो है नहीं पता होती। हम दूसरे डिजीज की या किसी पर्टिकुलर कंडीशन की डाइट को इस ओबेसिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाहते हैं, तो इसलिए मेरा इस पर बॉटम लाइन यही रहता है कि कोई भी डाइट या कोई भी अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप हमेशा किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से ही ये चीजें शुरू करें, खुद से या इंटरनेट से पढ़ के या यूट्यूब पे देख के इस तरीके से कोई चीजें ना करें। क्योंकि शॉर्ट टर्म पे हो सकता है कि 1-2 महीने में आपको थोड़ा बहुत वो गेन दे भी जाए, लेकिन ऐसा ज्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि वो लॉन्ग टर्म पे आपको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देके जाएगी। ओके डॉक्टर दिव्या, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कम से कम खाते हैं और फिर भी हमारा वजन बढ़ता रहता है, तो उन लोगों को आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर सुजाता, इसमें इस क्वेश्चन के 2 डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कम खाती हूँ लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो पहले डायमेंशन पे पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरे डायमेंशन पे जाऊंगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेब खाती हूँ, एक एप्पल लेके खाती हूँ, तो उसमें 50 कैलोरीज है। लेकिन वहीं अगर मैंने एक समोसा खा लिया या 3-4 बिस्किट और थोड़ी सी नमकीन खा ली, तो उसमें 400-500 कैलोरीज बड़े आराम से हो सकती हैं। तो यूजुअली जो हमें रेकमेंडेड डाइट होती है वो एक बार में हमको 300-350 कैलोरीज के करीब खाने को बोला जाता है, जो हमारी प्रॉपर मील होती है वो होती है।
आप ये समझिए कि अगर आपने दो चार बिस्किट में और आधी कटोरी नमकीन या इस तरीके से कोई फास्ट उसमें फास्ट फूड में आपने इतनी सारी कैलोरीज ले ली एक बार में, तो ऑफकोर्स आपको भूख नहीं लगेगी और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि आपने इतनी सारी कैलोरीज ले ली है। तो ये चीज आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि एनर्जी डेंसिटी किस फूड में ज्यादा है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है तो उसमें आपको जो है भूख भी जो है आपको लगेगा कि मैंने कुछ खाया नहीं, भूख भी नहीं फील हो रही है, फिर भी मेरा वजन कैसे बढ़ जा रहा है। इस सवाल का एक दूसरा डायमेंशन भी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ हमारी मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं जिसमें वेट गेन की प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है या वेट गेन हो जाता है। जैसे कि हमारा जो है, अगर किसी को हाइपोथायरायडिज्म हो गया या पीसीओडी हो गया, या सपोज करिए बहुत सारे स्टडीज में ये भी कि स्लीप डिप्रिवेशन है, किसी को नींद कम आ रही है या किसी को डिप्रेशन है, इस टाइप के कंडीशंस में भी वेट गेन होता है। तो इसमें भी मेरा यही सलाह है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, तो आप पहले डिफ्रेंशिएट करिए कि आपका किस कारण से बढ़ रहा है। आप एक्स्ट्रा कैलोरी ले रहे हैं उस वजह से बढ़ रहा है या आपको कोई मेडिकल कंडीशन है? अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तो डेफिनेटली मैं फिर वही सलाह दूंगी कि आपको अपने हेल्थ केयर टीम से जाके मिलना चाहिए, डायग्नोसिस करानी चाहिए और उसके बाद ही किसी प्लान पे या किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। दैट्स वेरी वेरी यूजफुल एडवाइस डॉक्टर दिव्या. और एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमने नाश्ते में चाय बिस्किट खा लिए या फिर फ्रूट खा लिए तो क्या उसमें कुछ नुकसान है, और सैलेड के टाइमिंग्स को लेके भी लोगों के मन में बड़े कंफ्यूजन रहते हैं, तो उसके बारे में बताइए. तो ये जो है इस सवाल के दो पार्ट्स हैं, इसमें मैं दोनों ही पार्ट को एक एक करके जवाब देती हूँ आपको। तो पहला ये सवाल है कि लोग पूछते हैं, ये एक तरीके से सवाल इस पे ब्रेकफास्ट के इम्पोर्टेंस पे सवाल इन्होंने पूछ लिया है कि ब्रेकफास्ट में हम अगर कुछ भी खा लें तो चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, बहुत सारी जो लंबी जो हमारी स्टडीज हो रखी है, अगर मैं किसी को कोट करूँ, लुकाड स्टडी है हमारी जो है, या डीपीपी है, मतलब बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज को कंट्रोल करने वाली, तो ये सारी जो है स्टडीज है और भी बहुत सारी स्टडीज है, ये रिपोर्ट कर ये जो है बताती हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है सबसे अच्छा तरीका है कि इनको सॉल्यूशन ओबेसिटी और डायबिटीज वगैरह का। अब एक दूसरा डायमेंशन ये भी आता है कि टाइमिंग्स ऑफ द फूड, टाइमिंग ऑफ द मील, की कौन से टाइम पे क्या मील है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ज्यादा मेटाबॉलिज्म उसका अच्छा बेहतर होता है इन कंपैरिजन टू जैसे जैसे दिन बीतता जाता है। तो ये चीज हमें वो करनी पड़ेगी कि हमें जो हाईएस्ट कैलोरीज है या ज्यादा कैलोरीज जो रिच फूड है, जो ज्यादा कैलोरीज वाले चीज है, वो अगर हम कोशिश करें कि हम सुबह के टाइम पे लें, तो हमारी बॉडी को अच्छा लंबा टाइम मिलता है उसको मेटाबोलाइज करने का, शाम तक में हम ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं। और इसका सेकेंड एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप सुबह से भूखे रहोगे, आपको जो है भूख लगती रहेगी, तो आपका दिन भर की स्नैकिंग भी बढ़ेगी, या आपको अच्छे से पेट नहीं भरा है तो आपने कुछ 11-12 बजे कुछ स्नैक्स वैसे खा लिए, फिर आपने 1-2 बजे खा लिया, ऐसे कर करके आपका एक बार भी वो नहीं है, एक बार में पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो कैलोरीज अपनी बढ़ा रहे हो डेली डे, तो इस चीज को ये देखने का ये पॉइंट है कि हमको क्यों वो करना चाहिए। और दूसरा एक रिकमेंडेशन ये भी है और ये वाजिब भी है कि आपको सीरियल और उसमें वेजिटेबल्स ये सारे जितने मैक्सिमम फूड ग्रुप्स ऐड कर सके वो अपने फर्स्ट मील में ऐड कर देना। आपका दूसरा सवाल था कि सैलेड के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। हम ये कहते हैं कि एकदम फीलिंग ऑफ हंगर नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। तो फीलिंग ऑफ हंगर जाएगी कैसे? तो उसके लिए ये करना होगा कि हमें पेट भरा भरा लगना चाहिए। पेट भरा भरा लगने में अगर हमने ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा फैट, ज्यादा प्रोटीन वैसी वाली चीजें खा ली, तो ऑफकोर्स वो दैट विल कन्वर्ट इनटू वो फैट में कन्वर्ट होकर आपके बॉडी में डिपॉजिट तो हो गया। तो इसको वो करने के लिए, जो फीलिंग ऑफ हंगर को थोड़ा सप्रेस करने के लिए और आपकी बॉडी को बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से खाएं। तो इसलिए सैलेड बहुत हेल्पफुल होता है। सैलेड में क्या है कि अगर आपने सैलेड खाया तो आपका जो है एक तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, दूसरी ये है कि आपकी जितनी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो वहां से पूरी हो रही है, तो आप उसको ऐड कर पा रहे हो अच्छे से, तो ये दैट वे सैलेड हुआ है। दूसरा एक टाइमिंग को लेके लोगों के मन में सवाल होता है कि लोग पूछ रहे हैं रात में नहीं खाएं या दिन में नहीं खाएं। तो देखिए ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है कि किसी चीज को सुबह खाएं या शाम को खाएं या कैसे खाएं। पॉइंट इज कि आपको सैलेड दिन भर में अच्छे ज्यादा ज्यादा अमाउंट में खाना चाहिए। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि आप 11% तक अपनी कैलोरीज पर मील कट कर सकते हैं अगर आप सैलेड लेते हैं तो। और अगर आप मील के पहले सैलेड लेते हैं 20 मिनट 25 मिनट पहले, तो आपका जो है ये जो और कैलोरी कट और कम हो जाता है क्योंकि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस पहले ही आ जाती है। तो सैलेड के बारे में मेरा जो ओपिनियन ये है। And finally, Dr. Divya, I would like to ask you that
कई बार ऐसा होता है कि हम 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, तो क्या उसके बाद भी जरूरत होती है डाइटिंग की या फिर बिल्कुल जरूरत नहीं? नहीं, ये जो है कई लोग ये बात ये पूछ रहे हैं कि जो है हम तो इतना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब उसके बाद भी मैं अपने खाने पर बंदिश क्यों लगाऊं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ डाइट या सिर्फ एक्सरसाइज आपको वो हेल्थ बेनिफिट्स नहीं दे सकते जो कि ये दोनों कंबाइंड होके देते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये सोचे कि किसी एक को सब्सटीट्यूट करें दूसरा ना करें, तो ऐसा जो है सही नहीं है। बेसिकली वेट लॉस के कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा वो होता है कैलोरी लॉस का, कि आपका जो है कैलोरी एक्सपेंडिचर हो। और कैलोरी एक्सपेंडिचर में आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है 3 तरीके से कैलोरी एक्सपेंड करेगी, कि एक तो पहले अपनी बॉडी हमारी बॉडी को वो रिक्वायरमेंट है जो हमारे बेसिक मैकेनिज्म चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, दूसरा है कि वो फूड जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में भी कुछ जो है एनर्जी स्पेंड होती है, और तीसरा जो एक मेन वो है वो फिजिकल एक्टिविटी का है, या वो फिजिकल एक्टिविटी जैसे पोस्चर बना के रखने या सही सीधे से बैठने में जो खर्च होती है, तो वो भी एक वो है। अब इसमें जो फिजिकल एक्टिविटी वाला जो एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो 10-20% है। तो अगर आप ये सोचे कि आप बहुत सारे मतलब मिसाल के तौर पे आप ये लो कि अगर 73 किलो का आदमी अगर 1 घंटा एक्सरसाइज करता है तो वो 200 से लेके 400-500 तक ही स्पेंड कर पा रहा है अपना जो है एनर्जी है। लेकिन अगर आपने उसी के साथ में सपोज करिए कुछ स्नैक्स खा लिया या आपने कुछ ऐसी चीजें खा ली जिसमें 400-500 कैलोरीज हैं, तो कहाँ बैलेंस हो पाए, उसके अलावा भी आप चीजें खा ही रहे हो सारी चीजें। तो सिर्फ ये कहना कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर ले रहा हूँ और उसके बेसिस पे जो है डाइटिंग ना करूं, तो ये उतना लाभदायक नहीं होगा। हाँ, एक्सरसाइज बेशक अपना एक वैसा मेटाबॉलिक गुडनेस के लिए जो है मेटाबॉलिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, लेकिन हाँ उसको सबको नहीं कर सकते सब्सटीट्यूट की सिर्फ हम एक्सरसाइज करें और डाइट ना करें, ये दोनों ही साथ में किस हम मैं मना ये मैं नहीं कह सकती कि आपको एक चीज कर लो कोई दूसरी चीज कर लो, आपको दोनों ही करनी पड़ेगी। डॉक्टर दिव्या, आज आपने हमारे इतने सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, दे विल फील दैट दे हैव सीन एंड हर्ड सम वेरी वैल्यूएबल एडवाइस। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर एंड टॉकिंग अबाउट सम रियली वेरी वेरी हॉट क्वेश्चंस। एंड व्यूअर्स, प्लीज कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोज। एंड दिस इज द वर्ल्ड ओबेसिटी वीक। दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू थिंक अबाउट how the society is getting obese and unhealthy, and we have experts like this further coming and talking. So keep watching this space. Thank you very much.